नमस्कार, आरवी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला जालौन उत्तर प्रदेश से ब्यूरो चीफ अनु शर्मा की बड़ी खबर। तो बने रहिए खबरों के साथ, देखिए यह पूरा रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना न भूलें। आरवी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है, मैं प्रीति वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आपकी खास खबरों के साथ। आइए हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। विकास खंड रामपुरा के ग्राम पंचायत पचोखरा में पात्रों को नहीं मिले प्रधानमंत्री आवास। कच्चे मकान में रहने को मजबूर ग्रामीण, कहा बारिश के दिनों में छप्पर से टपकता है पानी। रामपुरा जालौन विकास खंड रामपुरा के ग्राम पंचायत पचोखरा में अभी भी पात्र लोग पीएम आवास से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। ग्राम प्रधान की उदासीनता के चलते पात्रों को आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय और शोचनीय है। गाँव में आज भी कुछ लोग बिना आवास के रहने को विवश हैं। बारिश के बचने के लिए इन परिवारों को पॉलिथीन या मड़ई का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया, बारिश में होती है परेशानी। रामपुरा ब्लॉक के पचोखरा गांव में अनिल कुमार, चंदा देवी, संतोष, रामबली, मन्नू देवी, सुधीर, मधुबाला, प्रेम सिंह, बिट्टी देवी, राम कुमार, परशुराम, भूरी देवी, मालती देवी, रमेश कुमार, उषा देवी, मीना, सविता, किशनलाल, भारती आदि ऐसे बहुत लोग हैं जो गरीबों को दिए जाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। गर्मी हो या बरसात, धूप हो या छांव, सभी मौसम में इनके लिए पीड़ादायक है। मजदूरी करके चलाते हैं ये लोग अपना जीविकापार्जन और करते हैं परिवार का भरण पोषण। कुछ लोग झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, छत के नाम पर कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी बारिश के बाद झोपड़ी में चारों ओर पानी टपकने लगता है, इस दौरान सामान भी भीग जाता है। इन्होंने बताया कि वे बेहद गरीब हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम मजदूरी कर परिवार की आजीविका चलाते हैं। कहा कि कई बार ग्राम प्रधान से आवास की मांग की गई, लेकिन आज तक आवास नहीं मिला। गांव में पात्रों का सर्वे हुआ था, लेकिन आज तक हम लोगों को आवास नहीं मिला, नहीं हमारा कोई सर्वे हुआ है। मालती देवी पत्नी भरत सिंह ने बताया कि मेरे 5 बच्चे हैं, मजदूरी कर हम अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन आज तक हमें प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया गया है, जबकि हम इसके पात्र हैं। जो पात्र नहीं है उसको मकान बनाकर दिया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला, ब्यूरो चीफ अनु शर्मा के साथ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आरवी लाइव न्यूज। इस टाइम जनपद जालौन के रामपुरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पचोखरा में पहुंचा हूं। आपको देखने को मिल रहा होगा हमारे साथ ये महिला और ये नन्हे नन्हे बच्चे ये खड़े हुए हैं। इनके पास मजबूरी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कई प्रधानमंत्री आवास योजना बन चुके होंगे इस गांव में, लेकिन यहां आपको देखने को मिल रहा होगा न ही इनके पास कोई छत है और न ही कोई रहने के लिए नैन बसेरा है। आपको देखने को मिल रहा होगा ये इस तरीके से चूल्हा ही बना रखे हैं, इसी में खाना बनाते हैं और ये छप्पर के नीचे किस तरीके से अपने नन्हे मन्ने बच्चों को लेकर बैठते होंगे। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब आला अधिकारी गांव में सर्वे करने के लिए आते हैं तो क्या आंखों पर काली पट्टी बांध लेते हैं? और दूसरा सवाल ये उठता है कि ग्राम प्रधान क्या हर वक्त सोता रहता है? ऐसे लोगों की तरफ क्यों नहीं देखता है जिनके पास वास्तविकता चार दीवार के ऊपर छप्पर ही नजर आता है? एक बार फिर देखने को मिल रहा हो आपका, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा इस तरीके से दिखाएं आप कैसे पड़ा हुआ है इनका घर पूरा। अब मैं बात करता हूँ ये महिला से जो इस घर में किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर जीवन यापन कर रही है। बहन जी क्या नाम है आपका? मालती देवी। आप किस तरीके से इसमें रहते होंगे? जब बारिश होती होगी तो कितनी परेशानियाँ होती है? तो अभी तक किसी अधिकारी से या प्रधान जी से आपने कहा या कोई आया देखने के लिए? बोलते तो अगर सुनाई नहीं होती हमारी। देखिए हमारे साथ थी अभी मालती देवी, जिन्होंने बताया कि हमने बताया भी, लोग बाग देख के भी गए हैं अधिकारी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कैमरामैन सौरभ के साथ अनु शर्मा जालौन। अच्छा, कौन से गाँव के निवासी हो? पचोखरा के। क्या समस्या है आपकी? बस मकान नहीं है। मकान नहीं है तो मकान का अपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने प्रधान से बात की कि हमें घर दिलवाइए? प्रधान तो विरोध में है, नहीं दे तो नहीं देगा। अच्छा, विरोध में है आपके? अच्छा, तो क्या आप अपने घर की स्थिति दिखाएंगे, क्या है क्या नहीं है? तो आप खुद देख सकते हैं। अच्छा, रहा है। नाम? रामबली। अच्छा,
तो ये जो घर आपका दिखाई दे रहा है मतलब बिल्कुल फूटा हुआ है, क्या मतलब आप प्रधान द्वारा आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला, प्रधान जी से कहा था भी तो उन्होंने हाँ कर दी लेकिन सुना कुछ नहीं। अच्छा, सुना कुछ नहीं। तो प्रधान बने हुए लगभग लगभग इन्हें 2 साल तो होने जा रहे हैं। हाँ, 2 साल होने जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आपका पूरा मकान ऐसा ही कच्चा पड़ा हुआ है? पूरा अंदर तक है। अच्छा, चलिए आप आगे चलिए थोड़ा। पूरा कहीं पत्ता भी नहीं, पूरा अंदर तक पड़ा है।